एक चीज और दोस्तों, जब माटी की ट्रैली आती है तो ध्यान से देखा करो भाई, फूल बर कह रही है कि नहीं। अरे एक बंदा उड़ा छोड़ दिया करो जड़ता पर काव है, क्योंकि ये हेरा फेरी करते हैं। चार ठीक भेज दी, चारा में कम भेज दें माटी, आप ध्यान देने देने का। चल ठीक है ठीक है ठीक है, उसमें भी बहुत फर्क पड़ जाए। जब 12-13 ट्रैली पड़गी नहीं, उसमें एक ट्रैली का फर्क पड़ जाए। तो यह चीज है, फूल बर वह आनी चाहिए माटी की ट्रैली। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बोस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो कई बार यहाँ कमेंट आए कि भाई सब बताओ, मकान की प्रक्रिया क्या चल रही है, कहाँ तक पहुंची है। तो भाई बर्त हो गया कंप्लीट भाई, बीच में कोई एक दो दिन खराब हो गया था, क्योंकि उन पर नए काम हो जाए हैं भाई, तो ये सिस्टम हो जाए, कई बार सामान नहीं पाता टाइम पर, तो यह समस्या हो जाए है। तो भाई बर्त की प्रक्रिया होगी पूरी। अच्छा, कई बार नहीं कहेंगे भाई सब के कुछ खर्चा आया, तो अपना तो 5-1 फुट होया है वो, तो 17-18 हज़ार के समथिंग। अच्छा भाई, इवन को कुकर केकर कराना चाहिए हमने, किस हिसाब तक करवाओ बर्त है। तो भाई तीन ऑप्शन आपके पास है, या तो आप मड़गुब्बे ठेका दे दो भाई, 150 गज की ज़मीन है, 200 गज है, 300 गज है, उसका हिसाब था भाई। अच्छा दूसरा ऑप्शन ये होगा कि ट्रैली का हिसाब है, एक ट्रैली के 1100-1200 रुपये ले हुए हैं, कोई 1000 भी ले हुए हैं तो रेट बदले 100-200 रुपये, और JCB 1000 रुपये घंटा ले हुए हैं, तो मतलब ट्रैली के अलग हो गए, JCB के अलग हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो JCB है उसको ट्रैली में एडजस्ट कर दो, यानी JCB के 1000 रुपये घंटा ले हुए हैं तो ट्रैली के हो गए मतलब 1000 रुपये, तो जो JCB के हैं उसमें एडजस्ट कर दो कि भाई 1000 की जगह 1300 ले ले, 1400 ले ले, JCB भी तेरी होगी और ट्रैली भी तेरी होगी, तो उसमें एडजस्ट कर दो, वो बढ़िया रहेगा। 1500 आपके बच जाएंगे और आग लगे भी 1500 बच जाएंगे, क्योंकि घर के साज बाज हुए उनके भाई, तो संजय मंजे उनके घर क्यों हैं, उनका ज़्यादा सिस्टम को नहीं होता यह बात है, तो आप अलग तले आवेंगे उसका ज़्यादा खर्चा हो। जिस साफ सफाई तक करवावे नहीं, 5 या 6 घंटे लग जाए भाई, तो यह बात है। तो दोस्तों मट्टी गिड़वाने के बाद भाई नीम निरोली कर दिए, ईंट कैट दी, पूरा को DPC होगी, एक दो दिन के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसकी वीडियो दिखाऊंगे आपने। तो भाई JCB वाला तो कह दियो भाई थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देगा, पहले ही थोड़ी थोड़ी मट्टी ठुवा दियो, नहीं उन्हें बोर्ड से लग जाएंगे जो आपने दिखने लग गए शामी बड़े बड़े, फिर मट्टी उड़ना परना करते उन्हें दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। आजकल दोस्तों सेम की बहुत समस्या चल रही है, तो लोग क्या कह रहे हैं सिंपल मट्टी गिड़वा गया, ऊपर रेता गिड़वा ले हैं, जो अगर सिंपल ट्रैली का रेट 1100-1200 रुपये हो गया, जो रेता हुआ है तो उसका रेट हो गया 2500-2400-2600 पर ट्रैली, डंपर बोल लिया जिस। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप बर्थ करवाओगे ना, JCB आएगी भाई, तो JCB आएगी जे एक आधी नीम पैट सका है, उसमें गुस्सा होने की जरूरत को नहीं अगला भाई, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है, सब गला बन जाए है। और जे मजदूर पर करवाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पीछे भी ज़्यादा लग जाए, कई दिन की प्रक्रिया हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखियो, ज़्यादा गुस्सा ना हो अगला भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ बर्थ पर थी, बाकी आगे जो प्रक्रिया होती रहेगी एक एक जमानू सुई तक लेकर और ट्रंक तक सारी दिखाते रहेंगे, आपने बताते रहेंगे, ताकि आपने किसी पर पूछने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब किसी का आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़े कि भाई साहब मेरा काम करवा दे, नहीं करवा दे, आप खुद सियाने होकर समझदार होकर विवेकता है और शांति तक काम कर लियो, बढ़िया तरिया खुद अपना फैसला ले लो जिंदगी का, बढ़िया तरिया, तो यह चीज़ अपना शाप का मकान बनवा लियो। तो आगे दिखाते रहोगे आप, आशा करता हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, छोटा सा ब्लॉग था, प्यारा सा ब्लॉग था, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दियो, ताकि नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।